Hello and welcome to Word List 38. In this word list, there are 10 words, and today we are going to learn about these 10 words. These words are adroit, auspicious, compress, despot, evanescent, impetuous, malediction, pervasive, reservoir, utopia. The first word is adroit, means skillful, dexterous, or you can say muharat, mahir ya muharat wala. The adroit thief could pick anyone's pocket, means के वो जो चोर था वो इतना माहिर था अपने काम में कि वो हर किसी की जो है वो easily उसकी जो है वो उसको चुरा लेता था उसकी pocket से. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो बड़ी महारत के साथ जो है वो लेडी के बैग से उसका पर्स जो है वो चोरी कर रहा है without her knowing. Next word is auspicious, means favorable or indicative of good things, के हम कहें कि ये मुबारक है इस काम के लिए, like कोई भी चीज़ हो वो किसी भी उसके लिए जो है वो फेवरेबल हो, मुबारक हो किसी भी चीज़ के लिए. द टेनिस प्लेयर कंसिडर्ड द सनी फोरकास्ट एंड ऑस्पिशियस साइन दैट शी वुड विन हर मैच. जो टेनिस प्लेयर थी उसने जो है ये समझा था कि जो सनी फोरकास्ट है वो उसके लिए मुबारक है और वो जीत जाएगी अपना जो है वो टेनिस मैच. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक लड़की है और वो काफ़ी हैप्पी लग रही है क्योंकि और सनी वेदर है ज़्यादा, तो मे बी शी इज़ हैप्पी के अच्छा ये जो है ये उसके उसकी जीत के लिए जो है वो मुबारक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ कंप्रेस, टू अप्लाई टुगेदर, अप्लाई प्रेशर और स्क्वीज टुगेदर. किसी को जो है वो प्रेशर अप्लाई करना या जो है वो स्क्वीज करना एक साथ किसी भी दो चीज़ों को. लाइन कंप्रेस्ड हर लिप्स टाइटली, लाइन ने जो है वो अपने लिप्स को जो है वो टाइटली कंप्रेस अपने जो दो लिप्स थे उनको स्क्वीज किया था टुगेदर. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो जो है वो उनने अपने लिप्स को स्क्वीज किया हुआ है और हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कंप्रेस का मतलब क्या होता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डेस्पॉट, मीन्स वन हु हैज़ टोटल पावर एंड रूल्स ब्रूटली. जिसके पास पावर सारी पावर हो और वो जो है वो बहुत ज़ालिम भी हो. डिक्टेटर भी होते हैं, इसका ये भी मतलब होता है डिक्टेटर. द कंपनी इज़ रन बाय अ डेस्पॉट, मीन्स कि ये जो कंपनी है ये जिसके पास जो इसको रन कर रहा है वो बहुत ही ज़ालिम, उसके पास एक तो पावर है डेफिनेटली वो रन कर रहा है और वो ज़ालिम भी बहुत ज़्यादा है. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो जो है वो अपने एम्प्लॉय को मार है, सुना भी रहा है बातें, तो मींस कि डेफिनेटली वो ज़ालिम है काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट वर्ड इज़ एवनेसेंट, मींस फ्लीटिंग, मोमेंट्री. वो चीज़ जो थोड़े से टाइम के लिए जो शॉर्ट लिव्ड हो पर उसके बाद फिर वो चली जाए. माय जॉय एट गेटिंग प्रोमोटेड वाज एवनेसेंट बिकॉज आई डिस्कवर्ड दैट आई वुड हैव टू वर्क मच लॉन्गर आवर्स इन अ लेस फ्रेंडली ऑफिस. मीन्स कि जो वो आदमी था उसकी खुशी थी कि अच्छा वो प्रमोट हो गया, वो थोड़े से टाइम के लिए थी, शॉर्ट लिव्ड थी. उसके बाद उसको ये पता चल गया कि अच्छा जहाँ पे अब उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो जगह फ्रेंडली नहीं है, तो वो दोबारा से सैड हो गया. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है, उसकी जो है वो दो कार्डबोर्ड्स हैं, एक साइड पे स्माइली एक साइड पे सैड, और मींस के उसका यू कैन से कि ईजिली जो है वो उसकी खुशी जो है वो गम में बदल गई है. नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पीटुअस, मीन्स रैश और हैसली डन. कोई चीज़ जो है वो इज़्तिराब की हालत में करें आप या जल्दी जल्दी में करें. His impetuous driving was the reason I didn't go with him. उसकी जो ये जो थी उसकी बहुत तेज़ जो है वो ड्राइविंग थी, उसकी वजह से मैं जो है वो उसके साथ नहीं गई. अब पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो इतनी तेज़ ड्राइव कर रहा है कि जो उसके इर्द गिर्द की जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो ब्लर हैं, वो बहुत तेज़ी से जो है वो ड्राइव कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ malediction, मीन्स कर्स या स्पेल. किसी पे जो है वो उसको जो है वो कोई भी कर्स उस पर अप्लाई करना. आई स्क्रीम द malediction ओवर एंड ओवर अगेन, मीन्स कि मैंने जो वो कर्स था उसको चीख चीख के बार बार बोला ताकि मे बी कि वो कर्स करना चाह रहा हो किसी पे, तो ताकि वो हो. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो जो है वो बहुत गुस्से में जो है वो कुछ कह रहा है और चीख रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ परवेसिव, मीन्स हैविंग द टेंडेंसी टू स्प्रेड थ्रू आउट, कि जिसमें ये टेंडेंसी हो किसी भी चीज़ में कि वो ईजिली जो है वो दूर दूर तक फैल जाए. स्टेपिंग ऑफ द बस आई रिकनाइज द परवेसिव ओडोर ऑफ पिंक लिलीज फील्स. जब मैं बस से उतरी तो मुझे फ़ौरन से जो है वो पिंक लिलीज़ की खुशबू आ गई क्योंकि पिंक लिलीज़ में ये टेंडेंसी होती है कि वो उनकी खुशबू दूर दूर तक जो है वो फैलती है. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि जो गर्ल हैं उसने पिंक लिलीज़ उठाई हुई हैं और वो काफ़ी हैप्पी लग रही है.
नेक्स्ट वर्ड इज़ रिजर्वॉयर, मीन्स रिजर्व्स, लार्ज सप्लाई, किसी भी चीज़ का जो है वो बड़ी अमाउंट में, क्वांटिटी में जो है वो सप्लाई हो पड़ा हुआ. द ऑयल इज़ पम्प्ड अप फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर. जो ऑयल था हम उसको डीप अंडरग्राउंड जो है वो एक उसका रिजर्वॉयर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल था, तो वहाँ से हम उसको जो है वो पम्प कर करके ऊपर निकालते हैं. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक ऑयल का रिजर्वॉयर है ये, और उसके साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि पाइप है, और पाइप की मदद से जो है वो ऑयल को बाहर निकाला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ यूटोपिया, मीन्स एन इमेजिनरी एंड रिमोट प्लेस ऑफ परफेक्शन. वो एक परफेक्ट प्लेस जो कि हम इमेजिन करते हो कि हाँ ये हो सकती है. एवरी वन इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू लिव इन अ यूटोपिया, बट नो वन कैन एग्री हाउ टू गो अबाउट बिल्डिंग वन. हर कोई जो है इस दुनिया में वो ये चाहता है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड में वो रहे, लेकिन कोई भी उस परफेक्ट वर्ल्ड को बनाना नहीं चाहता, बस सारे रहना चाहते हैं. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक खूबसूरत जगह है जो कि हम कह सकते हैं कि लाइक परफेक्ट लग रही है हमें, जो बंदा इमेजिन ही कर सकता है. दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच.